दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सब्सक्राइबर का बटन दबाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और साथ में दोस्तों, अपडेट वीडियो पाने के लिए ये बेल के घंटे का दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के मोबाइल कितने बार चोरी हो जाते हैं, चोरी होने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं, आप लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग का मोबाइल का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, किसी भी तरीके से पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, मैं आज उसी पर तर्क देकर बात करने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग का मोबाइल अगर बाय द वे चोरी हो जाता है, खो जाता है, या बाय द वे कोई आपका घर का सदस्य है उसे जबरदस्त उल्टा लोग देके खोलने की चेष्टा करता है, तो दोस्तों आपका यह मोबाइल चोरी होने के बावजूद भी, मान लीजिए कहीं से आपका मोबाइल चोरी हो गया है या कोई शॉप में आप छोड़ दिए हैं, तो उसके बाद भी आपका मोबाइल ज़रूर है मिल जाएगा, ये दोस्तों मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं दोस्तों ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों, वो कब और कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं बाद में बताऊँगा। दोस्तों, कुछ इस तरह का हमारा ये एप्लीकेशन है, मैं इससे आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसलिए डायरेक्टरी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इसको दोस्तों यहाँ पर अलाउ थर्ड आई टू टेक फोटो एंड रिकॉर्ड वीडियोस, इसको दोस्तों सिंपली मैंने अलाउ कर देता हूँ। दोस्तों, आप लोग को भी अलाउ करना है इसको, दोस्तों सेकेंड बार में फिर से आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनलॉक अटेम्प्ट, अगर दोस्तों आपका कोई पिन लॉक, पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक या बाय द वे कोई भी लॉक दिया हो, अगर वह गलती करता है तो दोस्तों आपका ये एप्लीकेशन उस व्यक्ति का चुपके से लोकेशन सहित उसका फ़ोटो ले लेगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि अगर आप कितने बार में हैं उस गलती करने पर उसका फ़ोटो लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक बार जैसे किया हुआ है पहले से एप्लीकेशन में, तो दोस्तों ये अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो यह एप्लीकेशन चुपके से उसकी फ़ोटो ले सकता है। अगर आप 3 बार 4 बार देना चाहें तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड में आता है दोस्तों इंट्रोडक्ट डायरेक्शन, तो इसको इंट्रोडक्शन डायरेक्शन को सिंपली दोस्तों ऑन कर देना है। तो दोस्तों, आपका ये कहाँ पर है आपका पूरा कंप्लीट लोकेशन भी पता कर देता है। इसको दोस्तों सिंपली एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको नीचे जाना है फोटो लॉग में। यहाँ पर दोस्तों फोटो लॉग में जाने के बाद अभी नो इमेज अवेलेबल लिखा हुआ है। जब आपका दोस्तों कोई गलत पैटर्न दे दिए या पिन दे दे या आपका मोबाइल चोरी हो जाए, कोई ज़बरदस्ती खोलने का चेष्टा करे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका उसका फ़ोटो चला आएगा। तो दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो चोरी हो जाने के बावजूद भी आप अपने मोबाइल पे जो जीमेल आईडी देते हैं वही जीमेल आईडी किसी और दूसरे मोबाइल या लैपटॉप में देना पड़ेगा, वह ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जीमेल आईडी के अनुसार ही काम करता है, क्योंकि जीमेल आईडी आप जो ई मोबाइल पर दे के रखे हैं वही दूसरे मोबाइल पर देंगे तो ही आपका ये लोकेशन सहित उस व्यक्ति के फ़ोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए थ्री डॉट में क्लिक करना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप दोस्तों एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग दिया गया है, इसको सेटिंग में जाना है। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग है दोस्तों ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों ऑन करना, गूगल ड्राइव बैकअप। गूगल ड्राइव बैकअप को ज़रूरी है दोस्तों ऑन कर देना। जब आप गूगल ड्राइव बैकअप को ऑन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अकाउंट मांगेगा, आप जो भी अकाउंट में से साइन इन करना चाहते हैं आप वही अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दोस्तों मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन के अकाउंट में दोस्तों का साइन इन करता हूँ, तो मैं मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन में ही क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों हमारा यह एप्लीकेशन थर्ड आई साइन इन हो चुका है, अब इसको मैं ओके सिंपली ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं अब हमारे मोबाइल पे कोई बंदा दूसरा गलत से पैटर्न दे देता है या कोई चोरी हो जाता है मोबाइल और उसे ज़बरदस्ती खोलने का चेष्टा किया जाए, तो चुपके से यह एप्लीकेशन उसका लोकेशन सहित फ़ोटो दूसरे की जिस जीमेल अकाउंट पे आपको अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट दे के साइन इन किया हुआ है, आप वहीं पर आपको ये लोकेशन सहित उसका आदमी का व्यक्ति का फ़ोटो भी आपको दिखा देगा। दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, अब ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको एजुअल
प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आपको जाके डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों सर्च बॉक्स पर सर्च करना है। यहाँ पर दोस्तों सर्च करेंगे थर्ड आई बोल के दोस्तों सर्च करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी दोस्तों डाउनलोड रेटिंग देखिए 1 मिलेनियम डाउनलोड हो चुका है। अब 4.4 की दोस्तों इसकी रेटिंग है। हालांकि दोस्तों इसको डाउनलोड करना आप मेरे वीडियो के अंत में, यानी अभी देखिए मेरे मोबाइल के आइकॉन का बगल में एक अलग से आइकॉन दिख रहा होगा, आप वहां पर टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो जब 20 सेकेंड बाकी रहेगा ख़त्म होने में, उसी समय एक आइकॉन दिखेगा दोस्तों। वह आइकॉन कुछ इस तरह का होगा, जिस तरह का आइकॉन यहाँ पर देखिए, जो थर्ड आई का जो आइकॉन है ना, कुछ इस तरह का दोस्तों आइकॉन होगा। यही आइकॉन में आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर तो दोस्तों बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।